अघाड़ी का किसानों का आंदोलन को समर्थन राष्ट्रवादी कांग्रेस, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, ग्राम सेना इत्यादि पार्टियों के कार्यकर्ताओं का सहभाग था। सुबह 11 बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक राजू तिबांडे, एडवोकेट सुधीर कोठारी, शिवसेना के पूर्व विधायक अशोक शिंदे, इनके नेतृत्व में मोर्चा शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए उपविभागीय कार्यालय में निवेदन दिया गया। उसके साथ ही विदर्भ के प्रसिद्ध कृषि उत्पन्न बाजार समिति में भी आज बंद में शामिल थी। तब परिपूर्ण बंद का नजारा कृषि उत्पन्न बाजार समिति में था। विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों ने केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर आज देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। महाविकास आघाड़ी हिंगनघाट, कांग्रेस, शिवसेना और NCP के हिंगनघाट पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद आंदोलन का समर्थन में भाग लिया। हिंगनघाट में स्कूल, कॉलेज, दुकानें, संस्थाओं, बाजार आदि ने अल्प प्रमाण में बंद का असर देखा गया। इस अवसर पर महाविकास आघाड़ी की और कांग्रेस शहर अध्यक्ष पंडरी काप से अमित साफले, इकबाल पहलवान, नकुल भाई मारे, मंगला ठग, शिवसेना की ओर से अभिनंदन मुनोत, भोला सिंह चौहान, राजू खुबसरे, सीताराम भूते, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से भूषण पीसे, शहर अध्यक्ष आफ्ताब खान, अनिल भोंगाड़े और कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर में पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त भी दिखा। NBCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट। संपूर्ण शेतकऱ्याचाच हा भारत आहे आणि म्हणून त्याच्यासाठी समर्थन हे राहणारच आहे, स्वाभाविक आहे। आणि म्हणून मोदी अहंकारात आहे, केंद्र सरकार अहंकारात आहे आणि अहंकाराचा विजय या भारतभूमीत केव्हाच कोणाचा झाला नाही, याला मोठा इतिहास आहे हजारो वर्षाचा। आणि म्हणून आताही तेच होईल। सायमन कमिशन सारखं कमिशन वापस जावं लागलं लाला लजपतरायच्या नेतृत्वात, तर हे बिकारचोट लोकांचं बिल कुठं टिकणार आहे का? आणि म्हणून याचा निषेध आज प्रातिनिधिक स्वरूपात आहे। जशी जशी गरज पडेल त्याच्या उग्रतेची तशी तशी तयारी सगळ्या लोकांची, आम्हा सगळ्या तीन चारही पक्षाच्या लोकांची आहे आणि त्याप्रमाणे हे आंदोलन पुढे चालणार।